नमस्कार, सुप्रभात। आइए एक नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों में। संसद में हुए सांकेतिक आतंकी हमलों के बाद संसद के बाहर और अंदर विरोध की खबरों से समाचार पटे हुए हैं, जिसको लेकर सांसदों सहित पुलिसकर्मियों के निलंबन का समाचार सभी ने प्रमुखता से छापा है। वहीं गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाते हुए मथुरा शाही मस्जिद के सर्वे को हरी झंडी देने का समाचार सभी ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। दिल्ली से मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा संयुक्त रूप से नए बसों को हरी झंडी देने का सकारात्मक समाचार भी आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। साथ ही सरकार ने विदेशों में पढ़ाई के नाम पर हो रही धांधलेबाजी पर एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जो जब्त किए गए आंकड़े हैं उनका विवरण दिया है, जो आपराधिक कार्यों से अर्जित किए गए हैं। रोज की तरह दैनिक भास्कर ने अपने विशेष लेख में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनकी स्थिति की जानकारी से सभी को अवगत कराया है। इसी के साथ कल तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।